वेल दोस्तों, अगर आप इंडिया के अंदर Redmi का Note 12 4G डिवाइस को यूज़ कर रहे हो तो आपके डिवाइस में Android 13 बेस्ड MIUI 14 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट को यहाँ पर रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया। अब देखो, ये जो अपडेट है इंडियन यूज़र्स को देखने को मिला है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी न्यू अपडेट के बारे में फुल्ली डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एंड अगर आपको इन फ्यूचर में भी इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो। वेल दोस्तों, फाइनली Redmi Note 12 4G डिवाइस में MIUI 14.0.6.0 TMTIN-XM स्टेबल अपडेट को यहाँ पर इंडियन यूजर्स के लिए रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया। अगर हम लोग यहाँ पे इस अपडेट की साइज की बात करें तो 289 MB इस अपडेट का साइज देखने को मिला है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिला है या फिर नहीं। और अगर आपको ये अपडेट आपके डिवाइस में देखने को नहीं मिला है तो यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। देखो, सिंपली आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, 7 डेज का वेट करना है, आपको ये न्यू अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं कि इस न्यू अपडेट के बाद आपके डिवाइस में क्या कुछ नए फीचर्स यहाँ पे देखने को मिला है। देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो आपके डिवाइस के सिक्योरिटी में जून 2023 के मंथ का सिक्योरिटी पैच को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। हालांकि अभी जुलाई 2023 का मंथ चल रहा है, तो अगर हम लोगों को यहाँ पे लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता जुलाई 2023 के मंथ का तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन आपको इस अपडेट के बाद जून 2023 के मंथ का सिक्योरिटी पैच को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी, तो सिस्टम के सिक्योरिटी को इस न्यू अपडेट के बाद और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। साथ ही सिस्टम में ऑप्टिमाइज द सिस्टम परफॉर्मेंस, तो दोस्तों इस MIUI 14.0.6.0 अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस के परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इंक्रीज किया गया है। तो यहाँ पर देखो, डेली टास्क में, मल्टीटास्किंग में, गेमिंग में, ऐप ओपन क्लोज में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको और कोई भी फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। जो भी यहाँ पर फीचर्स देखने को मिले थे वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दिया हूँ। बाकी दोस्तों, इस अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको अपने डिवाइस के सॉफ्टवेयर अपडेट वाले सेक्शन में चले जाना है। एंड लास्ट में आपको वहाँ पे वर्जन चेकआउट कर लेना है। वहाँ पर आपको MIUI 14.0.6.0 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिल जाएगा। एंड सिंपली आपको इस न्यू अपडेट को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अच्छी लगी तो एक यहाँ पे लाइक जरूर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी दोस्तों, आप चाहे तो मुझे ट्विटर, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम तीनों में ही फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।